अरे अपन को समय सार मिल गया, अपने तो ऐसा आनंद बरसना चाहिए कि अपन की ऐसे ऐसी शुभकामनाएं निकलनी चाहिए। किसी को ऐसी शुभकामना दो ना दिनेश जी, तो भैया तुम्हें जल्दी सम्मिशन की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे दिखता है। क्या कह रहे हो, है या किसी से? मैं ऐसा किसी किसी को कभी कभी ऐसे ही बोलता हूँ, अपने साधर्मी हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ, आपका सम्यक दर्शन सहित जीवन बीते और आगामी काल में आप सी गति से मुख चले जाओ। तो कई लोग तो ऑब्जेक्शन उठा दी, सम्य दर्शन सहित काय का सम्मिशन, हमें काय का सम्मिशन, माने इतने सम्मिशन जैसे चुभ रहा हो, उन्हें ये पता ही नहीं सम्मिशन है क्या चीज। और सुनो उसमें नीचे लिख दो सुख समृद्धि बनी रहे। हाँ ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। सुख कभी कभी व्यवहारिक हो जाते ना, व्यवहारियों को भी जन्मदिन तो ऐसा लिख देता हूँ कि आपको शीघ्र ही सम्मिशन की प्राप्ति हो और वर्तमान पर्याय में आपके सुख समृद्धि में जीवन जीवे। तो वो ऊपर की तो लाइन छोड़ देता है, ये समय नीचे की पढ़ता। हाँ ये पंडित जी ठीक है, सुख समृद्धि बनी रहे। अरे सम्यक दर्शन के बिना सुख समृद्धि होती ही नहीं, सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? और हमें जो ये समय सार मिला है, ये जो अपन को मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, जो पूज्य गुरुदेव श्री में जो तत्व ज्ञान मिला, अपने को तो ऐसे अंदर भाव आने ही चाहिए कि अरे हम तो कुछ काल में मोक्ष चले ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा शंका नहीं होनी चाहिए। आपकी वर्तमान पर्याय की कोई भी हालत हो रही हो, आप क्या डरते हो? वहां एक भाव पहले वो सचिंद्र राणी बताओ, सचिन द्राणी है ना, वो एक भाव पहले ऊपर है, वो एकदम स्वधर्मेंद्र के ऐसे खड़ी है। क्यों? स्वधर्मेंद्र के आदेश का पालन कर रही ना, तुरंत है उसकी पत्नी है समझ लो। और देखो पर्याय बीतते ही वो तीर्थंकर ही वो केवली भगवान बन गई है, वो 32,000 समझ में आया। और नील है, नील है कुछ अभी तो ध्यान नहीं मिला, 40 नील, 40 नील बहुत संख्या है, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 40 नील है समझ में आया। अब सोचो बात, और वो एक एक देखता रहता है, बताओ सबको जाके नमस्कार करता रहता है क्या गजब का स्वरूप है। हाँ उसका बहुत लंबा काल होता है। हाँ कितने की? हाँ तो देखो इतने सागर में रहेगा ना वो। और ठीक है स्वर्गों में, स्वर्गों की आयु वो 17 सागर से ऊपर ही जाते ना वो। तो अब सोचो बात, इतना लंबा काल और उसके सामने देखो कितना। अरे हम सबको भी ऐसे भाव होने चाहिए। अरे पंकज जी आपको भी अपन सिद्धालय में मिलेंगे भैया, तुम भी जल्दी केवल ज्ञान लोगे, हम भी लेंगे। नहीं सही, मजाक सी लगती है। मजाक नहीं है, तुम्हें तत्व भरोसा नहीं, इसका मतलब तुम्हें जिनेन्द्र देव पर भरोसा नहीं है। वो जो गुरुदेव श्री बोलते थे ना, हम सबको मुख जाना, सबको मजाक लगती थी, क्या बोलते रहते ऐसे हंसी मजाक है। तो गुरुदेव के ऐसे ही जाते हैं, ये तत्व ज्ञान अपने हाथ में मिल गया, ये आत्मा की श्रद्धा हो गई, आत्मा की रुचि हो गई, अब हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तूने स्वयं को ही रोक रखा है। कि किस रोक रखा है? पर्याय दृष्टि होने के कारण। तू अपने जो अधिक भाव देखता है, इस शरीर की क्रियाएं देखता है, शरीर की हालत देखता है, आसपास के लोग देखता है, तो तुझे ऐसा लगता है काय का मोक्ष कैसे होगा। अरे ऐसे ही कैसी कैसी पर्यायों से निकल के जीव मोक्ष चला जाता है। क्या एक मोक्ष जाना कोई ऐसा थोड़ा ही है? अंजन चोर चले गए ना उसी भाव से मोक्ष। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो जीवों की स्थिति, अभी भी अंजन ही चोर कहला रहे हैं और वे अनंत सुख भोग रहे सिद्धालय में विराजमान है, वे अभी भी भूत निगम ने से अंजनी चोर कहला रहे हैं। वे पर्याय कब की बीत गई, वे काय का अंजन, काय के कुछ, वे तो निरंजन हो गए। अरे ऐसे ही हम भी एक दिन निरंजन हो जाएंगे। तुम विश्वास करो कि आत्मा को मत छोड़ो, तत्व की बात को कमजोर मत समझो, दृढ़ श्रद्धान करो, औदिक भाव से अपनी नाप मत करो, अंदर भेद ज्ञान का निरंतर निरंतर दीपक जलने दो। ये भेद ज्ञान का दीपक बुझना ही नहीं चाहिए, चाहे कितने ही राग आए, चाहे कितने ही कसाए भारे। मैं तो कहता हूँ मरने मारने के भाव आए और तो कुछ नहीं, ऐसा लगा मार डालू, क्या मार डालूंगा मैं तुम्हें, ऐसा भाव भी आवे तो भी अंदर भेद ज्ञान का भाव पूरा रहना चाहिए कि मैं परिपूर्ण गया हूँ। आया है भाव, आ गया कोई बात नहीं। देखो ना 6 खंड का चक्रवर्ती है, निकल बाहर। क्या भरत जी क्या करते पता है आपको? ऐसा तीर चलाते हैं। हाँ और सुनो, वो तीर कहाँ गिरता है? सीधा उसके सिंहासन में जहाँ बैठा होता है, उसके पैरों में गिरता है। वहां तीर तू कि तुझे भैया क्या हो गया,
क्योंकि चारों तरफ तो उसका वो बना हुआ है किला, लेकिन उस तीर की ऐसी सामर्थ है, ऐसी रिद्धि है कि ऐसा फेंकते तो बिल्कुल वहीं जाता है वो जिसके पास उनको भेजना है। समझ लो मैसेज जैसा तुम भेजते ना कि जिसको भेजना उसी के पास जाता है, ऐसा उनका समझ उस समय का मैसेज भेजने का स्टाइल वो ही है। और वो मैसेज गिरता है और उसमें एक कागज लगा रहता है, वो उठा के कहता है कि क्या हुआ है कि सुन, उसमें चेतावनी होती सीधी, कुछ नहीं होता, तेरे राज्य की सीमा पर भरत चक्रवर्ती अपनी सेना सहित आके खड़े हुए हैं, तुरंत अपने सारी उसको क्या कहते मंत्रिमंडल को लेके सेना सहित तुरंत नमस्कार करने पहुंच और तुरंत उनकी समझ आए वो तुरंत स्वीकार कर, और अगर नहीं करता तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। अभी कितनी खतरनाक चेतावनी, कितना दादागिरी है बोल है, मतलब जिसमें जितनी शक्ति उतनी दादा, पराधीनता स्वीकार कर, और सीधे नीचे लाइन लिखी होती है अगर नहीं करता तो सीधा लड़ने को तैयार हो जा। बताओ ये कौन लड़े चक्रवर्ती से, तो तुरंत वो जाके मुकुटबद्ध राजा नमस्कार महाराज चरणों में, बिल्कुल ऐसा ही है, चल खड़ा हो जा, ऐसा ही है। तुम्हें तो लगता होगा कि ऐसे कुछ नहीं, चलो ठीक है, क्यों कि वे सबको गले फले नहीं लगाते पड़ते, सबसे व्यवहार नहीं, क्योंकि इतना टाइम थोड़े ही है कि तुम्हारे यहाँ 4 दिन रुक जाएंगे, बस स्वीकार हो गया, चल फटाफट अब आगे चलो, ठीक है। और लौटते हुए सबसे कह देते अपनी अपनी लड़कियाँ तैयार रखो, कन्याएं भी ले, क्योंकि वो डॉक्टर साहब बोलते सब जाते हैं कि वो सबसे रिश्तेदारी बना के जाता है कि तुम अपने दामाद के खिलाफ कोई काम नहीं करता है, क्यों कि अब दामाद के खिलाफ कौन सबसे कौन करेगा है, रिश्तेदारी पूरी चाहिए। अब ऐसा भाव हमें ये समझा रहा था, ऐसा भयंकर अधिक भाव तो भी अंदर से मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ और मैं ही भगवान हूँ और मैं भगवान बनूंगा, ये अधिक भाव होए तो होता रहे। सोचो ऐसी ताकत है, अगर ऐसी ताकत आ गई है तो तुम सम्यक दृष्टि हो गए हो, और अभी तुम्हें घबराहट होती है, बेचैनी, ऊपर ऊपर से भले ही बोलते हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, जोश में आके समझ में आए ना, जोश है ना, जोश वीर रस है, वीर रस समझते कि नहीं है। मुंदेलों हर वेलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बे तो झांसी वाली रानी थी। अब एकदम तुम्हारे अंदर जोश आ गया, ना झांसी वाली रानी है ना तलवार है ना कुछ है लेकिन आ गया जोश, हर एक दहे गई है भाई चलो, बिल्कुल चलो, कहाँ चलो भाई, बाहर आके पूछे क्या, वो तो हो गया खत्म हो गया। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू ऐसे ही धर्म सुनता है, यहाँ आके कोई जोश में तुझे त्रिकाली ध्रुव की बात सुनाता है तो थोड़ा जोश में आ जाता है, एकदम एकदारे में तो आत्म ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं कोई पर का करता धरता नहीं हूँ। ये थोड़ी देर के लिए खुमारी आती है और जैसे ही ये बात खत्म होती है बाहर निकलता है वो सारा भाव गिर जाता है और उस औदिक भाव में चिमट जाता है। अरे बातें तो ठीक है, दुकान तो जाना ही पड़ेगा भैया, रोटी तो बनानी पड़ेगी, है ना, है महिलाएं तो कहती हैं इतना ही धर्म की बात है, सुन लो भैया रोटी तो अपनी को बनानी है, है? तो जिस चीज से क्यों चिपक गया उस अधिक भाव से, क्यों क्यों चिपक गया, जब चक्रवर्ती इतने बड़े अधिक भाव से नहीं चिपका। सौधर्मिंद जिसकी पत्नी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गई और एक नहीं हजारों, फिर भी उसे कोई नहीं, ठीक है मैं भी निकला, उसमें क्या है, आगे पीछे की बात है, बोलो कितना अंदर आत्मविश्वास है, दो चार भाव में तो कोई बात नहीं भाई, और क्या होगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन अपन को ये प्राप्त पर्याय में बुद्धि तो छूटे, उस ज्ञायक भगवान आत्मा पर दृष्टि लगे तो तब ये बात बनेगी। तो देखो अपने अंदर अब बिल्कुल संसार का विकल्प नहीं, निर्णय होना ही चाहिए, हम तो निकलेंगे उस संसार की परिस्थिति कैसे भी बने। आज अपन स्थिर नहीं हो पा रहे अपने स्वरूप में तो अपन को क्या लगता है कि क्या पता कैसे स्थिर होंगे, कैसे मुनिराज बनेंगे, कैसे क्या होगा, अपन को लगता है ना, क्योंकि अपन वर्तमान पर्याय से देखते। अरे श्री गुरु कहते कुछ मत देख, चौथे गुण स्थान में ऐसी स्थिति होने पर भी कोई जीव आगामी काल में मुनि बन जाता है, वही स्वधर्मिंद इतना भोगों में लगा है
रात दिन भोगों में लगा है और उसे अगले भाव में मैं मुनि बनूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं अपने स्वरूप में रमूंगा, ये साथ में दिखता है, कोई शंका नहीं होती कैसे कैसे होगा। मेरे जैसा भोगी अभी अगले काल में योगी बन जाएगा क्या है? अपन को नहीं लगता ना कि अपन योगी बन पाएंगे, लेकिन श्री गुरु कहते अगर त्रिकाली ध्रुव पे सच्ची दृष्टि हो तो तुझे ये भी भाव भाषण होगा कि मैं आगामी काल में मैं योगी बनूंगा, ये विषय भोग मुझे ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते। और अरुचि तो हो ही गई है ना भोगों की, अब भले ही मजबूरी में भोगते हैं लेकिन रुचि नहीं बची है, तो ये रुचि नहीं बची यही तो सम्यक दर्शन का स्वरूप है। और क्या है, भोग छूट जाए तो वो तो चारित्र में चला गया, तो सम्यक दर्शन में भोगों के बारे में अरुचि हो जाती है, बस उसमें कोई ज्यादा रस रह नहीं जाता।